Guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are doing question from 2020. 2 marks के लिए आया था ये question. इसमें आपको एक NMOS दे रखा है, enhancement MOS बोल रहा है, और जिसका threshold voltage आपको दे रखा है 3 volt. और इसको use कर रहे हैं हम sample and hold circuit के लिए. और बोल रहा है कि substrate of the MOS is connected to -10 volt. If the input voltage VI lies between ±10, देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वी जी की वैल्यू बतानी है जब हमारा सैम्पलिंग एंड होल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रही हो. ठीक है, वी जी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारी सैम्पलिंग एंड होल्डिंग प्रॉपर वे से हो रही हो. आपको ये एनमोस दिया है, ठीक है. आपको यहाँ पे वी नोट दिया है. वी नोट आपकी क्या है बेसिकली? वी एस है. वी आई आपकी क्या है? वी डी है. ये क्या है? वी जी. वी जी आपसे पूछी है मेरी सैम्पलिंग कब होगी, जब मेरा मॉस ऑन होगा उसके लिए क्या होगा? वी जी एस ग्रेटर देन वी टी होएगा. दैट मीन्स वी जी माइनस का वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन वी टी. वी जी मस्ट बी ग्रेटर देन वी एस प्लस वी टी होना चाहिए आपका. ठीक है, इससे मैं वी जी की वैल्यू निकाल सकती हूँ मिनिमम और मैक्सिमम. अब आप ये इधर देखो, ये क्या है यहाँ पे? वी आई इक्वल्स टू वी नॉट है. दैट मीन्स वी डी इक्वल्स टू वी एस है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? वी जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी आई प्लस वी टी. अब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है, प्लस माइनस 10 से है ना ये. वी जी कितना हो गया मैक्सिमम? 10 प्लस वी टी कितना दे रखा है? 3, दैट इज़ 13 वोल्ट. और वी जी मिनिमम कितना हो गया? -10 + 3, तो कितना हो गया? -7 वोल्ट. वी जी की वैल्यू कम से कम -7 और 13 से ग्रेटर होनी चाहिए. सैम्पलिंग किस में होती है? जब मेरा अप थ्रेशोल्ड में रहता है, और होल्डिंग मेरी डाउन थ्रेशोल्ड में रहती है. ठीक है, तो इस केस में हमारी सैम्पलिंग होगी, इस केस में हमारी होल्डिंग होगी. सो अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर. सिंपली आपको बताना था कि मोस कब ऑन हो रहा है. जब मोस होएगा तभी हमारी सैम्पलिंग होती है. तो मोस होने की एक ही कंडीशन होती है, वी जी एस मस्ट बी ग्रेटर देन वी टी, कट ऑफ से बाहर आने के लिए ना. तो वही हमने वी जी एस इक्वल्स टू वी टी करके इसको सॉल्व किया. वी नोट को वी आई के टर्म्स में लिखा और वी जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दिया. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 30. नाउ इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 39. ये 2021 का ही क्वेश्चन है, रिसेंट का. 2 मार्क्स के लिए आया था ये. इसमें बोल रहा है ये जो आपका M1 है और M2 है, ये आप PMOS दे रखे हैं, दोनों ना सैचुरेशन रीजन में काम कर रहे हैं. ठीक है, और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और जो इसका बॉडी इफेक्ट है वो नॉन जीरो है. द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द MOSFET M1 एंड M2 आर, इसका GM1 दे रखा है और इसका GM2 दे रखा है, राइट. और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखी है R01 और R02. आपका बॉडी इफेक्ट प्रेजेंट है लेकिन इग्नोर करो उसको, और स्मॉल सिग्नल गेन बताओ. दैट इज स्मॉल सिग्नल वे, दैट इज डेल वी आउट ओवर डेल वी इन की वैल्यू हमें बतानी है सर्किट. और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. बेसिकली आपको इसका वोल्टेज गेन निकालना है. वोल्टेज गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रॉ करेंगे. इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल आप ड्रॉ करो. एक आपका यहाँ पे रहता है वोल्टेज VGS. अब ये क्या है? PMOS है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा. और ये क्या बन जाएगी? वोल्टेज VSG. ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या करंट रहेगा? VSG.GM. ठीक है, और उसके पैरेलल में क्या रहेगा? एक आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. अब हम पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं? M2 ड्रॉ करते हैं हम. ठीक है, M2 का सोर्स VDD से है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया. 2 ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, और ये भी VSG2 हो गई. और बेस आपका इससे किसका, सॉरी गेट आपका किससे कनेक्टेड है? वी इन से कनेक्टेड है. ठीक है, और इसका जो ड्रेन है अब दूसरे के सोर्स से कनेक्टेड है. इसका जो ड्रेन है वो दूसरे के सोर्स से कनेक्टेड है. ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. अब इसके सोर्स से क्या क्या कनेक्टेड रहेगा आपका? सेम वे में एक करंट सोर्स रहेगा जिसकी वैल्यू आएगी GM1, VSG1,
राइट, और एक रहेगा आर नॉट वन, ठीक है, और इसका ड्रेन क्या है, वो भी ग्राउंडेड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा इसका, सेम वे में वी एस जी, और इसका गेट क्या है, ग्राउंडेड है। अब आपसे इसने क्या पूछा है, वोल्टेज गेन, आपकी वी आउट कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, वी आउट हो गई, राइट। अब आपसे इसने पूछा है वी आउट ओवर वी इन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले हम देखो वी आउट के लिए एक नोट देखो आप कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब वी ना वी आउट से क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन से ब्रांच कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सेम वे में ये कनेक्टेड है, और सेम वे में ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी आउट की अगर हम इक्वेशन लिखें, सो वी आउट इक्वल्स टू, के वी एल लगाती हूँ मैं, सो दिस इज़ वन बाय आर ओ टू प्लस वन बाय आर ओ वन, राइट। और इस ब्रांच पे क्या करंट आ रहा है, आपका करंट आ रहा है, तो माइनस जी एम टू वी एस जी, और इस ब्रांच से वाला करंट जा रहा है, तो दिस इज़ प्लस वन जी एम वन वी एस जी वन, राइट। ये किसके इक्वल हो गया आपका, इक्वल्स टू ज़ीरो। और आपका वी इन देखो, इस लूप में लगाती हूँ मैं, वी इन आपका किसके बराबर आ गया, वी इन इक्वल्स टू माइनस वी एस जी टू, ये भी आपका टू है। अब मैं वी आउट को इकट्ठा लिख लूँ यहाँ पे, वी आउट इज वन बाय आर नॉट वन प्लस वन बाय आर नॉट टू, इसको ये क्या चेंज हो जाएगा, वी एस जी को टू मैं वन कर दूँ, तो दिस इज़ प्लस जी एम टू वी इन प्लस जी एम वन वी एस जी वन। अभी आप देखो मेरा वी एस जी वन एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी वी एस जी वन को मेरे को वी इन या वी आउट में लेना है। अब आप ये वाला लूप देखो, ये ग्राउंड कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, तो ओवरऑल वी नॉट ही है, तो ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस वी एस जी वन प्लस वी नॉट, वी नॉट आपका क्या आ गया, वी एस जी वन के इक्वल आ गया, इसको मैं यहीं पुट कर देती हूँ, और वी नॉट और वी इन को एक साइड रखते हैं। वी आउट, वी आउट इज योर वी नॉट ओनली, वन बाय आर नॉट वन प्लस वन बाय आर नॉट टू प्लस जी एम वन इक्वल्स टू माइनस जी एम टू वी इन। वी आउट ओवर वी इन क्या हो गया आपका, माइनस का जी एम टू ओवरऑल डिवाइडेड बाय, ये क्या है आपका, वन बाय आर नॉट वन, इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ, आर ओ वन पैरेलल आर ओ टू पैरेलल वन बाय में जी एम वन, ये लिख दिया मैंने। अब इसको ओवरऑल ये क्या है, वन बाय आर ले लिया मैंने इसको, आर की वैल्यू क्या है, यही है आपकी, तो ये वी आउट ओवर आर यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई इनटू में आर, ठीक है। आर की वैल्यू फिर इसको क्या लिख दूँ मैंने, आर को मैं लिख रही हूँ आर नॉट वन पैरेलल आर नॉट टू पैरेलल वन बाय जी एम वन। सो आपका ये वी नॉट बाय वी इन कितना आ रहा है, माइनस जी एम टू आर नॉट वन पैरेलल आर नॉट टू पैरेलल वन बाय जी एम वन। नाउ ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, वोल्टेज गेन निकालना था हमने, पीमोस दे रखे थे एनमोस की, जनरली एनमोस रहता है, पीमोस दे रखे थे, वी आउट ओवर वी इन पूछा था हमने, एक इसी पे वी आउट पे के वी लगाया, और एक इस नॉट लगाया, और एक इस लूप पे लगाया। सो हमने ये वी आउट ओवर वी इन की वैल्यू निकाल लिया, सो दिस इज़ योर ओवर वोल्टेज गेन।